चलिए, FLT आज कौन से नंबर का है? 04, 04 FLT है। आज बुधवार की FLT को हम सॉल्व कर रहे हैं, और बुधवार की FLT को जो ऑफलाइन और ऑनलाइन जो भी देख रहे हैं, विथ व्याख्या, व्यवस्थित व्याख्या के सहित कहेंगे। कुछ चीज़ें मैं जो पहले बताना चाहती हूँ आप लोगों को, सामने जो बैठे हैं ध्यान से सुन लो। कुछ होमवर्कशीट मुझे मिली है, शायद आप लोग ये गलत नहीं कर रहे होंगे। जो सेलो पेन, पतली निब के ब्लैक पेन आते हैं, उनसे गोले मत भरिए। जो भी ये गलती कर रहे हैं, 21 मई को परीक्षा है, ये वाली गलती बिल्कुल भी मत करना कि पतली पिन के जो पेन आते हैं उनसे आप लोग गोले भर रहे हो। 2 रुपए के पेन से गोले मत भरिए। देखो, दिमाग लगाइए, कोशिश हमें ये करना है कि कम समय में गोले भर जाएं। गोले भरने का भी पेन आता है मार्केट में, हाँ जी, ये भी जानकारी होना चाहिए। तो उसी पेन का यूज करिए। कुछ उमर शीट में ब्लू पेन से भरे गए हैं, परीक्षा का आपका उमर शीट ही रद्द हो जाएगी, है ना। जिसको नहीं पता था, ये मॉक टेस्ट इसके लिए ही दिए जाते हैं ताकि आपको पता रहे, है ना। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा अभी तक ऑफलाइन आयोजित करा रही है, तो जब तक ऑफलाइन आयोजित करा रही है तो ये जानकारी आप सभी को होना चाहिए, थोड़ी थोड़ी बेसिक बेसिक। ओमर शीट में गलती, मतलब आपने कितने भी सही प्रश्न दिए होंगे, वो सारे के सारे आपके गलत हो जाएंगे। मशीन स्कैन कर सके ऐसे गोले भरे, बीच में गोले भरते समय पूरा व्हाइट दिख रहा है, मशीन स्कैन नहीं कर पाएगी। तो कोशिश करना कि ऐसे पेन का यूज करें जो कम मेहनत में ही गोले भर दे आपके, है ना, ये कोशिश करना। स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पत्र आसान था या कठिन था, ये देखो पेंसिल से भरा हुआ है। आप समझिए कि 4.5 लाख, 5 लाख बच्चे ये परीक्षा देने वाले हैं। उस परीक्षा देने वाले में आप बोलते हो कि मैडम 5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? 1-3 लाख बच्चे तो ऐसे छट जाएंगे, क्योंकि वो बच्चे ऐसे होंगे जो अभी अभी पटवारी ताजा ताजा दिया है, चलो लगे हाथ ये भी दे लेते हैं, वो एग्जाम वाले होंगे। कुछ व्यापम वाले होंगे, कुछ अदर स्टेट वाले होंगे, उनके स्टेट में नौकरियां नहीं निकल रही, चलो मध्य प्रदेश का देख के आ जाते हैं। तो कॉम्पिटिशन 4.5 लाख में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में तो कभी भी नहीं होता है। कॉम्पिटिशन जो होता है वो सिर्फ 50,000 बच्चों में होता है। 50,000 बच्चों में से 400-450 पोस्ट के लिए 15,000 अगर उसको सिलेक्ट करना है, तो 50,000 में से 15,000 निकालना कोई कठिन बात नहीं होती है। तो जो छटाई होती है, तो वो छटाई ये पेंसिल वाले आउट, एक लाइन में 2 गोले भर दिए आउट, रोल नंबर के गोले गलत भर दिए वो आउट, ऐसे स्टूडेंट होते हैं। तो आप लोग खुद तय करना कि आपको अपनी काउंटिंग किस में करनी है, चाहे वो ऑनलाइन बैठे हुए हो, ऑफलाइन बैठे हुए। सिली सिली मिस्टेक, जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, वो मत करके जाना। परीक्षा के लिए ज्यादा समय बचा नहीं है, 3 मई का वीडियो डिस्कशन आज हम करते हैं। ध्यान रखना, मैंने बोला है कि जो भी स्टूडेंट वीडियो सॉल्यूशन कर रहा है वो पेन कॉपी लेकर बैठिए, या फिर अपने नोटबुक में कॉपी क्वेश्चन पेपर में भी लिख लिया करो, कि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट अगर मिल रहे हो संबंधित प्रश्न से तो मजा आ जाए, ठीक। अच्छा, इसमें से कितने स्टूडेंट है जो ऑफलाइन बैठे हुए हैं, जो फर्स्ट टाइम एमपीपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं? पहली बार एक ही है, बाकी सब लोग पहले दे चुके हैं, है ना। तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि जो पहले दे चुके हैं उनका एक आधी नंबर से रुका होगा। हाँ हाँ बोल दो, हाँ। पर अब वो एक नंबर, अब ये मत बोलना कि मेरा एक ही नंबर से रुका, नहीं तो मैं तो अंदर होता। नहीं, एक नंबर दो नंबर इंपॉर्टेंट नहीं, अंदर या बाहर इंपॉर्टेंट है कि आप मेंस दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ी सी तैयारी वैसे करना। परीक्षा हॉल में लास्ट मैंने वीडियो सॉल्यूशन में भी यही बात बोली थी, कई लोग इसमें भी है जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो मैं वही बोल रही हूँ कि परीक्षा हॉल में 60 प्रश्न सही होना आपका पहला उद्देश्य होना चाहिए। 60 क्वेश्चन सही होना, पूरे 100 सही नहीं करना, टॉप नहीं करना है, 60 प्रश्न सही करना पहला उद्देश्य। फिर दूसरा उद्देश्य होगा अगले 10 क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, ताकि 10 में से अगले 30, अगले 40 में से 10 सही निकाल के निकले, तो 70 हो गए। अब बचे हुए 30, तो अब मानना तुक्का। अब पूरे शुरू से ही तुक्का मार रहे हो तो पूरे गलत होंगे। पहला उद्देश्य है 60 प्रश्न सही करना, दूसरा उद्देश्य 10 प्रश्न की और जुगाड़ करके लेके आना कि ये भी बन गया। अब वो तुम्हारी इच्छा है कि जो बन रहे हैं उसके गोले पहले भरना, ये तुम्हारी इच्छा है, और सब क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के गोले एक साथ भरना, वो भी तुम्हारी इच्छा है। वो अपनी अपनी इच्छा, इस मॉक टेस्ट में देख लेना कि समय पर कैसे हो पा रहा है काम, चाहे वो ऑनलाइन में बैठा हो चाहे वो ऑफलाइन में बैठा हो, है ना। व्यापम वाले स्टूडेंट हो चाहे पटवारी वाले हो। स्टार्ट करते व्याख्या करना। निम्नलिखित में से कौन सा
कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संबंध में असत्य है, काला पेन हाथ में है, गोला मार लेना कि असत्य के संदर्भ में प्रश्न पूछ रहा है, ध्यान से प्रश्न को पढ़ना। तो असत्य के संदर्भ में पूछा है कौन सा असत्य है। मंडलेश्वर में 1857 की क्रांति का विद्रोह व्यापक रहा, बंगाल रेजिमेंट के पैजा में इनका इसके द्वारा हत्या कर दी गई थी। तात्या टोपे को सिंधिया के सामंत मान सिंह द्वारा षड्यंत्र पूर्वक अंग्रेजों द्वारा बंदी बना लिया था। और इनकी समाधि कहां पर है तात्या टोपे की? शिवपुरी में है। ये किसके सेनापति थे बोलो? तात्या टोपे किसके मुख्य सेनापति थे? रानी लक्ष्मीबाई के। और लक्ष्मीबाई की समाधि कहां पर है? ग्वालियर में है। और लक्ष्मीबाई की सहायिका का नाम क्या है? झलकारी बाई। तो जहां पे महारानी वहीं पर उनकी बेस्ट फ्रेंड सहायिका। तो झलकारी बाई की समाधि भी कहां पर होगी? ग्वालियर में। याद जिसको करना है तो इसकी ट्रिक है कि लक्ष्मी झलकती है, टिकती नहीं है, झलकती है, याद हो जाएगा। अब दूसरी चीज इसको याद करना है, कई बार पूछता है कि अवंतीबाई की समाधि कहां पर है। और अवंतीबाई की जो बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम है गिरधारी बाई। जहां पे अवंतीबाई की समाधि होगी वहीं पे गिरधारी बाई की समाधि होगी। कहां पर होगी? जिसको नहीं पता लिख लो भाई, हम भूल जाएंगे ना। तो जहां पे भी लिखना हो आगे पीछे लिख लेना। फिर तीसरा है कि राजा ठाकुर प्रसाद का संबंध रामगढ़ से तो अवंती का है, राघवगढ़ से इनका संबंध है। कटनी वाला जो राघवगढ़ क्षेत्र है उससे संबंध है ठाकुर प्रसाद का संबंध। और देवी सिंह का संबंध मंडला से, ये भी सही है। असत्य कथन है सी, असत्य कथन है सी, और सही लिख लेना। रामगढ़ की जगह राघवगढ़ सही होगा, ठीक। तो जो भी जानकारी मिली वो आपको यहां से चीजें मिल चुकी है। मंडलेश्वर किस जिले में है बोल दो आप, प्रत्यक्ष स्टूडेंट आंसर तो बोल सकते हैं। मंडलेश्वर खरगोन में और खंडवा दोनों में ही मान लेते हैं हम, इसमें बोल देते हैं पश्चिमी निमाड़, ताकि वो निमाड़ अंचल में जो गांव पड़ेगा उसको उठा के ले ले। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे पे। प्रश्न क्रमांक दूसरा, पेमा फात्या, इसको कई जगह आपको पेमा फाल्या भी मिलेगा और पेमा फात्या भी मिलता है, कोई डाउट नहीं है उसमें। किस चित्रकाली चित्रकला शैली के श्रेष्ठ चित्रकार हैं? आप सभी को पता है कि पिथौरा चित्र भित्ति, याद रखना, कौन सी जनजाति करती है? भील जनजाति। और जो पिथौरा चित्र भित्ति करती है ना, पिथौरा चित्र भित्ति करने वाले जो कलाकार होते हैं उसको बोला जाता है लखनेरा, याद रखना। पिथौरा चित्र भित्ति के कलाकार को लखिंदरा या लखनेरा बोला जाता है, ठीक। तो ये लखनेरा कौन है? पेमा फाल्या। भूरी बाई के बारे में आप लोग ने लास्ट FLT में सुना था, लास्ट FLT मैंने डिस्कस किया था इसको विस्तृत रूप से। तो ये हो गए पिथौरा चित्र भित्ति, पेमा फाल्या, ठीक है। और पेम लास्ट FLT में पानी, ठीक, याद रखना। 2017 में तुलसी सम्मान मिला था इन्हें, याद रखना, 2017 में तुलसी सम्मान मिला था, ठीक। तुलसी समारोह होता है, और तुलसी समारोह किसके लिए होता है ये याद रखना, कि जो लोक चित्र कलाकार होते हैं, लोक चित्रकला से जो संबंधित होते हैं उन्हें तुलसी सम्मान दिया जाता है, ठीक। और एक सम्मान होता है अहिल्या सम्मान, अहिल्या सम्मान ये भी लोक चित्रकला के लिए दिया जाता है, लेकिन केवल महिलाओं को, ये बात याद रखना। अहिल्या सम्मान केवल महिलाओं को दिया जाता है लोक चित्रकला के लिए, ये बात याद रखना। संबंधित तथ्य यही होंगे महिलाओं के लिए। तो तुलसी लोक चित्रकलाकार है, तुलसी सम्मान दिया जाता है लोक चित्रकला के क्षेत्र में, केवल महिलाओं को लोक चित्रकला के क्षेत्र में अहिल्या सम्मान दिया जाता है। भूरी बाई को अहिल्या सम्मान मिला था, पेमा फाल्या को तुलसी सम्मान मिला था, ठीक। तुलसी अकादमी कहाँ है? तुलसी अकादमी भोपाल में है, और तुलसी शोध संस्थान, तुलसी शोध संस्थान ये चित्रकूट सतना में, चित्रकूट सतना में। अब बताओ कहां से छूटेगा फैक्ट? जिसको नहीं पता, पहली बार पता चल रहा है, वो लिख लेना इस फैक्ट को, ठीक है, ताकि जानकारियां सही हो जाए। बढ़े आगे, याद है,
चेहरा बता रहा है, नहीं है, नहीं है, याद था ये सब चीजें पहले से। ठीक है आगे बढ़े, ये सही आंसर है पिथौरा। आगे प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन पूछा है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण विद्याधर, लक्ष्मण मंदिर यशोवर्मन, मतंगेश्वर मंदिर हर्षवर्मन, और पूछा है चित्रगुप्त मंदिर निर्माण धंगदेव, धंगदेव ने नहीं करवाया था, गंडदेव ने करवाया था। तो असत्य कथन है प्रश्न क्रमांक 3 का चौथा डी, है ना। कहाँ पर है ये पूरे मंदिर, तो ये मंदिर है खजुराहो में, खजुराहो में मंदिर है। 1986 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। 85 मंदिर थे प्रारंभ में, 25 शेष रह गए हैं, और ये है खजुराहो की चर्चा। ये खजुराहो एकमात्र ऐसा पर्यटन स्थल है जिसके पास स्वयं का एयरपोर्ट भी है। बाकी तो 4 मेट्रो सिटीज हैं ही आपकी, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, लेकिन खजुराहो के पास भी अपना एक स्वयं का मेट्रो एयरपोर्ट भी है, ऐसी जानकारी रखना। प्रश्न क्रमांक 4, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार किससे संबंधित है, प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है, इंडियन हिस्ट्री, हाँ लिए तो हरिसेन ने तो लिखी थी, किस राजा से संबंधित है, समुद्रगुप्त से, वीड़ा बजाने वाले। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त काल के शासक समुद्रगुप्त के समकालीन नागवंशीय शासक नागसेन का शासन मध्य प्रदेश के किस स्थान पर था, महिष्मती, धारा नगरी, उच्छहरा या पद्मावती। इसका सही आंसर है पद्मावती क्षेत्र में था। पद्मावती क्षेत्र मध्य प्रदेश में ग्वालियर में है, ग्वालियर में है, और इसको लोकल भाषा में पवाया भी कहा जाता है, पवाया, पद्मावती। और आपको पता होगा उच्छहरा भरहुत स्तूप जहां पर है, कहाँ है, सतना में, उसी स्थान को उच्छहरा भी कहा जाता है। लिख लेना, मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित जानकारियां हैं। बाकी महिष्मती महेश्वर, धारा नगरी धार जिले से संबंधित जानकारी है। ठीक, तो पद्मावती प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार नागवंशीय शासक नागसेन का, नाग और पद्मावती का संबंध चलता है। पद्मावती मध्य प्रदेश के ग्वालियर पवाया में है, याद करते जाना, समय कम है। आगे प्रश्न क्रमांक 5, असत्य कथन को छांटना है, असत्य कथन को छांटना है। भवभूति यशोवर्मन के दरबारी थे, सही बात। भवभूति को भारत का मिल्टन कहा जाता है, बहुत बढ़िया। भवभूति की रचनाएं मालती माधव, महावीर चरित्र, चरित्रम है। संस्कृत के एक महान कवि व नाटककार है। उक्त में से असत्य छांटना है, सभी सही हैं, सही उत्तर होगा इसका डी। और एक और रचना लिखी है इन्होंने, उत्तर रामचरित्र। तो भवभूति की 3 रचनाएं याद करना है, मालती माधव, महावीर चरित्र और उत्तर रामचरित्र। भारत के मिल्टन कहे जाते हैं। संस्कृत के महान कवि और नाटककार ये भी है, लेकिन भवभूति के संदर्भ की बात चल रही है ना, अगर इसमें कुछ अलग बात लिखी होती तो बात अलग होती। प्रश्न क्रमांक 4, ध्यान से पढ़ना प्रश्न, ध्यान से पढ़ना ये वाला। ठीक, भारत के महान कवि संस्कृत के, महान तो ये भी, नाटक तो इनने भी लिखे, संस्कृत में ही लिखे, प्रश्न को थोड़ा समझना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, क्या हुआ, तो तुमने रटा था कालिदास संस्कृत के महान कवि है, महान हर कोई है, भारत के महान नाटककार है ना। आगे, भारतीय समूह वेदांता और दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक्स एवं विनिर्माता फॉक्सकॉन का संयुक्त उद्यम भारत के किस राज्य में स्थापित होगा, जो भारत का पहला सेमीकंडक्टर ब्रांड बनेगा। क्या लगाया है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात या आंध्र प्रदेश। कहां पे, धोलेरा, गुजरात के धोलेरा में स्थापित होगा। जगह लिख लो, सेमीकंडक्टर ऑपरेशन चलाया जाएगा ताकि
दो प्राइवेट कंपनियां यहाँ पर काम कर सके, चाहे वह वेदांत हो या फिर दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फॉक्सकॉन हो। इन दोनों ने गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर, जो कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर होगा, मध्य प्रदेश गुजरात के धोलेरा में स्थापित किया है। आगे प्रश्न क्रमांक 7वां, भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा किसके द्वारा शुरू किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोजेक्ट एलोरा शुरू किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। बड़े ऑनलाइन वाले आप लोग देखते जाना, समझते जाना, क्योंकि आप लोग ने टेस्ट दिया नहीं है इसलिए मैं आप पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। जिनने टेस्ट दिया उनकी तरफ ध्यान दे रही हूँ, ठीक है? आप लोग तो सिर्फ वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हो, देखना तुम्हारे नंबर कितने हैं, और जब वीडियो सॉल्यूशन हो जाए उसके बाद बताना कितने नंबर आप लोग लेके आए हो। चलो, डेटा भंडारण पदानुक्रम में सही पद क्या होगा? तो डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट्स होती है, तो पहले बिट्स मिल गया, बाइट्स मिल गया, फिर फील्ड होता है, फिर रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पर और यहाँ पर कंफ्यूजन हुई, लेकिन फील्ड्स के बाद रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड के बाद फाइलें, और फाइलों के बाद डेटाबेस। तो सही उत्तर होगा डी, सबसे छोटी इकाई बिट, फिर बाइट्स, 0 1 की इकाई के साथ आगे बढ़ता है। प्रश्न क्रमांक 9वां, लॉग हॉल नेटवर्क कहा जाता है, किसको कहा जाता है? वाइड एरिया नेटवर्क को लॉग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है। वैन का फुल फॉर्म पूछा जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क, तो बड़े अच्छे से देख लेना, जो एक ही व्यवस्थित बड़े क्षेत्रों में काम करता है। बड़े आगे क्वेश्चन नंबर 10, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण किसके द्वारा होता है? एप्लीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूरदर्शन एप्लीट्यूड मॉड्यूलेशन पर काम करता है। याद रखना, ये या आपके आईसीटी यूनिट नंबर 7 का ही चैप्टर है जिसमें आपने इसको पढ़ा होगा, ठीक? दूरदर्शन प्रसारण में संदेशों का प्रसारण। आगे, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 243 ट, इसको याद करने की ट्रिक है, देखते हैं, है ना, 243 ट के तहत किया गया। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय होता है, एक निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य सदस्य। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, सत्य कथन का तुलना करना है। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग 1 सदस्यीय होता है, तो ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, 1 और 3 सही होगा, ये हो जाएगा 11वें का बी, 11वें का आंसर होगा बी, ये अलग ही चल रहे हैं तुम्हें मेरी कसम। चलो आगे, 19 फरवरी 2023 को सरकार ने नीति आयोग के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? परमेश्वरम अय्यर, वी आर सुब्रमण्यम, अभिकांत दास, या फिर राजीव कुमार? नीति आयोग, फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, किसका रूप बना था? योजना आयोग का स्थान लिया था। नीति आयोग या योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन होता है? संबंधित क्षेत्र का विशेषज्ञ होता है। अरविंद पनगड़िया प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में, अरविंद पनगड़िया प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। पूछा गया है सचिव, सीईओ कौन होगा? तो वर्तमान सीईओ है बी आर सुब्रमण्यम। और याद रखना, नीति आयोग का प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थी, याद रखना, भूलना नहीं। ठीक, हाँ, तेज बोला नहीं, सिंधु श्री खुल्लर प्रथम, सिंधु श्री खुल्लर थे। आगे, योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च 1951 को। आगे, अच्छा 1 मिनट, नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक, वैधानिक या गैर संवैधानिक?
संवैधानिक तर या गैर संवैधानिक तर, इंग्लिश में एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनरी या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनरी, क्योंकि ना तो संविधान में वर्णन है ना तो संसद में पास हुआ था, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल ने आपस में मिल बैठ करके इसका निर्माण कर दिया था, इसलिए इसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनरी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनरी, गैर संवैधानिक तर या गैर संवैधानिक तर संस्था कहा जाता है। सेम ऐसा ही राष्ट्रीय विकास परिषद भी गैर संवैधानिक संस्था है। आगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस संविधान संशोधन के तहत अस्तित्व में आया, वो था 89 संविधान संशोधन 2003 था, आर्टिकल का नाम था अनुच्छेद 338 ए, जिसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आया। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 338, 338 और 338 से, मतलब कि 2003 के पहले अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग एक ही थे, 89 संविधान संशोधन के तहत अलग अलग कर दिया, आर्टिकल 338 में जाति और आर्टिकल 338 ए में जनजाति आयोग का वर्णन किया गया। ठीक है, ये मत सोचना जो तुम्हारे चेहरे दिख रहे हैं, एक तो तुम और मैं अनजान हूँ, आज हम लोग पहली बार मिले, जो लास्ट संडे मिले होंगे वो बात अलग है, तो जिससे नहीं बन रहे ना तो ये मत सोचना कि सिलेक्शन नहीं होगा, अब तो हम पे पता ही नहीं था, अरे ये फैक्ट नहीं पता, ये बात मत सोचना, ये सोचना था तो 3-4 महीने पहले सोचते, अब तो 20 दिन बचे हैं तो यही सोचना, अच्छा हुआ आज पता चल गया, तो शक्ल ऐसी बनाना जो लगे कुछ बिगड़ा नहीं है ना अभी, पर चलो भगवान की कृपा से आज तो पता चला, उतनी ज्यादा देरी तो नहीं हुई ना। ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन वाले हो जिनको नहीं पता और 21 मई का एग्जाम है, डरने से कुछ नहीं होगा, ये सोचो कि आज हमें पता चल गया, और जिसको पता था तो उसका रिवीजन हो गया, दोनों बातें। ठीक है, इसलिए मैं देखो चाहती तो वीडियो सॉल्यूशन अपन लोग लाइव करते, क्यों आपको आंसर शीट मिल जाती, एक के साथ दो तथ्य और डिस्कशन हो जा रहा है, रिवीजन हो जा रहा, तो काम हो जा रहा है ना। तो ऐसा मत सोचना कि नहीं निकलेगा एग्जाम 21 मई का, चलो अगली बार की प्री देंगे, तो फॉर्म ही नहीं भरते, फालतू पैसा बर्बाद कर दिया है ना। अब दे रहे हो तो बिल्कुल फोकस करके निकालने के उद्देश्य से देना। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में असत्य कथन का चयन करो। एमपीपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष 62 वर्ष है। मध्य प्रदेश के सदस्य भारत, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य भारत की संचित निधि पर भारित होते। क्यों भैया, काम करेंगे मध्य प्रदेश में और पैसा लेंगे भारत का, ऐसे कैसे, नहीं, किसकी संचित निधि पर, राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। और मध्य प्रदेश के प्रथम अध्यक्ष डीवी रेगे थे, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किया जाता है, यह भी सही है। क्या पूछा था, असत्य कथन पूछा था, 14वें का आंसर होगा बी, क्योंकि यह राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, ना कि भारत की संचित निधि पर भारित होता है। आगे प्रश्न क्रमांक 15, भारत में कैग सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग के संबंध में कौन सा सही नहीं है, असत्य पूछा है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है, उसका वेतन और सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है, यह बहुसदस्यीय निकाय है, ना तो बहुसदस्यीय है ना तो पुनर्नियुक्ति होती है, और क्या होता है इसका, तो यह 5 की जगह 6 वर्ष के लिए नियुक्त होता है। ठीक है, और बात करें तो यह उसका वेतन और सेवा शर्तें राष्ट्रपति नहीं, कौन करता है, संसद करता है, तो कोई भी सही नहीं है, सभी गलत है उपरोक्त में से सभी। जो सही है वो देख लेना कि कैग की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए संसद के द्वारा, कोई का भी हो, राष्ट्रपति किसी का भी वेतन सेवा शर्तें निर्धारित नहीं करेगा, इतना फ्री नहीं बैठा है। ठीक है, तो वेतन सेवा शर्तें संसद के द्वारा ही की जाती है, पुनर्नियुक्ति कैग को नहीं मिलती क्योंकि उसके पास बहुत सारी जानकारियां होती है और बहुसदस्यीय निकाय कैग नहीं है। आगे, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल बिहार व पश्चिम बंगाल के भी राज्यपाल रहे हैं, मोहम्मद शफी कुरैशी, बलराम जाकड़ विधानसभा अध्यक्ष रहे मध्य प्रदेश के, बलराम जाकड़ विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। और साथ साथ में ये भी लिख लेना कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी रहे लंबे समय तक।
ठीक, प्रकाश चंद्र सेठी तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, गोविंद नारायण सिंह भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो नहीं भी पता था, बाकी तीन ऑप्शन पे चर्चा करते तो एक आंसर अपने आप निकल के आता, मोहम्मद शफी कुरैशी, जो कि पश्चिम बंगाल और बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं और मध्य प्रदेश की भी। टेक्निक समझना, इतने तथ्य है मध्य प्रदेश पीएससी में याद करने के लिए, क्योंकि 10 यूनिट है। क्या एक इंसान 10 यूनिट याद कर सकता है? नहीं कर, मैं तो नहीं कर सकती भाई, 10 यूनिट याद करना पॉसिबल नहीं है। फैक्ट बहुत सारे, कंफ्यूजन हो जाती है। सबसे अच्छा तरीका है कि विकल्पों को काटना सीखो, काटने के बाद अपने आप सही उत्तर आ ही जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असत्य का चयन कीजिए। असत्य, तारीख हिंद अलबरूनी, अलाबरूनी, अलबरूनी, तारीख दिल्ली खुसरो के द्वारा लिखी गई, और साथ ही साथ तारीख रहला तो पता ही है आपको, इब्न बतूता, और तबकात नसरीन किसके द्वारा लिखी गई? मिनहाज ए सेहराज। ये पीएससी ने एक बार कहीं 2-3 साल के पहले के प्रीलिम्स में भी पूछा था किसी की किताब, फिर बाद में पीएससी ने उसको डिलीट भी कर दिया था क्योंकि गड़बड़ कर दिया था काम उस खुद ने। तबकात नसीरी मिनहाज ए सेहराज के द्वारा लिखी गई, असत्य कथन है डी। अगला, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? 1829 में विलियम वेंटिक ने सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिया। 1856 में कानून बनाया गया कि जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती है। 1877 में नहीं किया था, कब किया था? 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी। तो ये बात तो गलत हो गई भाई, 77 दिया है, और द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1981 में किया गया था। गलत कथन है 18वें का सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? मोहम्मद मौलवी हसरत मोहानी के द्वारा। इस क्लास में से ही कितने स्टूडेंट थे जिसने भगत सिंह लगाया था ईमानदारी से? एक, दो, और दो ही ने बस। आपने भी भगत सिंह लगाया था? नहीं नहीं, भगत सिंह किसने लगाया था? 1920 में भगत सिंह के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। सबसे पहले मौलवी हसरत मोहानी के द्वारा 1919 और 1920 के बाद ये दिया गया था। ये कौन थे तो याद रखना, ये एक उर्दू कवि थे। ठीक, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में यह प्रमुख नारा बन के आया था। प्रमुख नारा था, हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्रात्मक एसोसिएशन का प्रमुख नारा था इंकलाब जिंदाबाद। दो प्रकार की पार्टी हुई थी, पहले ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, फिर बाद में चंद्रशेखर आजाद आदि के आने पर ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन हो गया। इसका प्रमुख नारा था इंकलाब जिंदाबाद, जो कि हसरत मोहानी के द्वारा दिया गया। भगत सिंह के द्वारा इसका बाद में प्रयोग किया गया, जिसका गलत हो गया कोई बात नहीं, समय अभी है, 21 तारीख को गलत ना हो बस। ठीक, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज रख लिया था? स्वराज का मतलब क्या होता है? अपने घर में ही शासन करना। स्वराज का मतलब होता है अपने घर में शासन, अपने घर में शासन। घर का मतलब होता है होम, और शासन का मतलब होता है रूल। तो होम रूल इंडिया, द इंडियन ऑल इंडिया होम रूल लीग, जिसकी स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, और बाद में इसको आगे बढ़ाया था एनी बेसेंट के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा। तो याद कर लेना, स्वराज पार्टी, बाद में नाम परिवर्तन ऑल इंडिया होम रूल लीग, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू, एनी बेसेंट के द्वारा इसको जन जन तक पहुंचाने का काम किया गया था। प्रश्न क्रमांक अगला, स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य कब रखा गया है? नया क्वेश्चन है, चेचक उन्मूलन लास्ट क्लास में पूछा गया था एफएलटी में। स्किल सेल्स उन्मूलन कब तक किया जाएगा? एनीमिया कौन सा रोग है? ये खून की कमी के कारण होता है, खून की कमी।
सामान्यतः इससे किशोरियां ग्रसित होती हैं, किशोरी और महिलाओं को यह सबसे ज्यादा होता है। लक्ष्य रखा गया है कि 2047 तक इसको उन्मूलन कर देंगे, स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। याद रखना 19 जून को विश्व स्किल्स सेल एनीमिया दिवस मनाया जाता है, एनीमिया दिवस मनाया जाता है। कोशिश करना याद हो जाए, नहीं तो लिख लेना, जिसको भी नहीं पता था 2047 में उन्मूलन करना बड़ा लंबा लक्ष्य है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पर ठीक है। ठीक, एनीमिया किससे संबंधित है? खून की कमी से संबंधित है। आगे चल के ये कुपोषण का शिकार महिलाएं हो जाती हैं और मध्य प्रदेश इसमें अव्वल है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? ये तो बड़ा सही सही बार बार पूछ रहे हैं ना। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B12 फॉलिक एसिड। मुझे पता कुछ स्टूडेंट को इसमें डाउट था कि B12 फॉलिक एसिड कैसे, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा सैलिसिलिक एसिड, तो वो एक ही है, फॉलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड दोनों एक ही है, जिसमें डाउट हो तो वो सही ऑप्शन है। ठीक, विटामिन BE पूछा गया, विटामिन ई पूछा गया टोकोफेरॉल, और विटामिन B12 पूछा गया, तो आपको पता है पेंटोथोनिक अम्ल, लिख लेना जिसको ना पता हो। तो गलत कौन सा है? डी, पेंटोथोनिक अम्ल या डी, क्योंकि B5 का नाम पेंटा से आप याद कर सकते हो, 5 फॉर पेंटा, और याद कर सकते हो पेंटोथोनिक अम्ल। बाकी ई टेकोफोरॉल और B11 फॉलिक या सैलिसिलिक एक्ट मिलेगा, तो वो भी सही है, फॉलिक भी सही है, और ए फॉर रेटिनॉल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए, फिर से असत्य आ गया। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है, फिर पूछा है कि गैसों में द्रव्य में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है, और विकिरण विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर संचारित, माध्यम की आवश्यकता होती है, विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा गलत है, क्या हुआ? कोई बात नहीं, पॉजिटिव साइन देखो इसका, जिसका सही, वेरी गुड, पॉजिटिव साइन देखो, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ परीक्षा हॉल में ही गलत हुआ, फाइनल में नहीं हुआ, बड़े और 100/100 नहीं लाना है, 75/100 लाना है। गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो समुद्र की गहराई निकालने के लिए फैदोमीटर, ठीक, मैनोमीटर निकाला जाता है दाब का मापन करने के लिए, दाब का मापन करने के लिए। रेडियोमीटर निकाला जाता है वैज्ञानिक प्रकाश की जानकारी या वैज्ञानिक प्रकाश की आवृत्ति निकालने के लिए, वैज्ञानिक प्रकाश की आवृत्ति निकालने के लिए। स्फेरोमीटर गोलीय तल की वक्रता का मापन करने में सहायक है। तो सही आंसर होगा 24 का ए, स्फेरो। ठीक, ऑनलाइन वाले वीडियो को लाइक कर देना, 300 लाइक करना वीडियो को, जब तक खत्म ना हो जाए तब तक। चलो आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान माखनलाल चतुर्वेदी, अरे वाह, माखनलाल चतुर्वेदी का नाम आ गया है, कहाँ जन्म हुआ था इनका? बाबई, होशंगाबाद। बाबई का नाम आज प्रेजेंट टाइम में क्या है? माखन नगर रख दिया गया है। ठीक, माखनलाल चतुर्वेदी जो थे, वो माखनलाल चतुर्वेदी क्या थे? भारतीय आत्मा कहलाते थे, एक भारतीय आत्मा इनको कहा जाता था। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जिसमें तो हिम पर ही 3 रचनाएं हैं, हिम तरंगिनी, हिम किरीटिनी, और हिम संग्राम। समर्पण ये याद रख लेना, अमीर इरादे गरीब इरादे, इरादे गरीब इरादे। चलो इतनी तो जानकारी होगी माखनलाल के बारे में, आगे की जानकारी देखते हैं। तो क्या बोल रहा है कि जंगल सत्याग्रह में भाग लिया था,
झंडा सत्याग्रह में भाग लिया था, कसाई खाना आंदोलन में या लाल सेना आंदोलन में भाग लिया था, तो जंगल सत्याग्रह में जनजाति भाग को लेने दो। झंडा सत्याग्रह थोड़ा सा अच्छी सिटी में, मतलब जबलपुर में हुआ था, थोड़ा अच्छा था। तो ऐसे करके आप लगा सकते हो कि झंडा सत्याग्रह कहाँ पर था। तो 1923 में, डेट है 8 मार्च, जबलपुर में तिरंगा झंडा फहराने से संबंधित हुआ था, और उसमें सुभद्रा कुमारी चौहान भी थी और ये भी थे, ठीक, माखनलाल चतुर्वेदी। सही आंसर है बी जी, झंडा सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित है जी। हाँ, चेक कर लेना एक बार और, एक बार और चेक कर लेना। प्रभा और कर्मवीर इनकी प्रमुख पत्रिकाएं हैं। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहां मनाया जाता है? हाँ, तुक्का मारो, भोपाल में। क्यों? तुक्का में मनाया जाते इसलिए। और खंडवा में, और जबलपुर में, क्योंकि झंडा सत्याग्रह था। और जन्म स्थान पे नहीं करोगे? जन्म स्थान एक और बोल दो ना, विकल्प तैयार करो। होशंगाबाद में नहीं मनाया जाता, खंडवा में मनाया जाता है, क्योंकि प्रारंभ में प्रभा और कर्मवीर का संपादन खंडवा से किया जाता है, तो समारोह मनाया जाता है खंडवा में, ठीक। ठीक, एक बार देख लेना कसाई खाना वाला, रीचेक कर लेना, एक बार रीचेक कर लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात, मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है, जो कि है 931 1000 पुरुषों पर। भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 है 1000 पुरुषों पर। याद रखना, अभी हमारे पास नई जनगणना है नहीं है, पुराना ही डाटा है, अब तो कितने ही हो गया होगा। ठीक, तो पूछा गया है न्यूनतम लिंगानुपात। भिंड जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है 837 के साथ, और सर्वाधिक लिंगानुपात अच्छी स्थिति है। ट्रिक याद कर लेना, बाला अली की मंडला डिंडोरी, बाला अली की मंडला डिंडोरी, मंडला डिंडोरी, याद कर लो ये ट्रिक। ये चार जिले ऐसे हैं जिनके पास 1000 से ऊपर लिंगानुपात है। मध्य प्रदेश के ये चार जिले ऐसे हैं जिनके पास 1000 से अधिक लिंगानुपात है, 1022, 1008, 1005 और 1002। ऐसे करके, मतलब पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या ज्यादा है, तो आप करना चाहो तो याद कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के पांच या चार अधिकतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से, तो बालाली की मंडला डिंडोरी। सेम इसमें आपको पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं, तो इसकी भी ट्रिक अगर आपको याद करना हो तो ट्रिक है बीएमजी, बीएमजी, भिंड मुरैना ग्वालियर। मध्य प्रदेश के तीन लिंगानुपात, तीन ऐसे जिले जहां पे न्यूनतम लिंगानुपात है, तो याद कर लो, एक बार दिमाग को रिवाइज करा लो। भिंड मुरैना ग्वालियर चंबल संभाग ऊपर उत्तरी क्षेत्र के बड़े, ठीक, जो लिख रहे होंगे लिख लेना, है ना, और जो ऑनलाइन भी देख रहे होंगे। देखो, ऑनलाइन पढ़ाई, हम पड़ोस के घर में झांक रहे हैं, ऑनलाइन वालों 21 मई को एग्जाम है, पड़ोस के घर नहीं, किताबों पे झांको अपनी। हाल ही में मध्य प्रदेश में किस जिले में कोल जनजाति का महाकुंभ आयोजित किया गया था, और इस कोल जनजाति के महाकुंभ में अमित शाह आए थे, अमित शाह आए थे, और इसको शबरी महाकुंभ भी बोला गया था। शबरी महाकुंभ कहाँ आयोजित किया गया था? सतना जिले में, सतना जिले में आयोजित किया गया था, सतना। शबरी माता का जन्म जयंती शबरी महाकुंभ के रूप में भी सतना में मनाया गया था। आगे, अमित शाह आए थे। मध्य प्रदेश में प्रथम सीमेंट कारखाना एसोसिएट, कारखाना एसोसिएट कंपनी के द्वारा, एसीसी के द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था? पहला कारखाना मध्य प्रदेश में एसोसिएट के द्वारा बानमौर मुरैना में किया गया था, बानमौर
मुरैना में किया गया था, 1922 में पहला सीमेंट कारखाना था। कैमूर सीमेंट फैक्ट्री कहां पर है? कटनी में है, कैमूर सीमेंट फैक्ट्री। सतना में मैहर सीमेंट फैक्ट्री भी है और सतना सीमेंट फैक्ट्री भी है। नीमच में जीवाजी सीमेंट फैक्ट्री है और एक सीमेंट फैक्ट्री है जिसका नाम है नीमच सीमेंट फैक्ट्री। ठीक, एसीसी के द्वारा मुरैना में 1922 में पहला सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था। आगे ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2023 की थीम क्या थी? आत्मनिर्भरता मध्य प्रदेश, फास्ट इन मध्य प्रदेश, मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य 2023 का, 2023 का थीम रखा गया था ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट से संबंधित। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट कौन सी थी इस बार की 2023 की, कौन से नंबर की थी? छठवें नंबर की थी, लिख लो वहां पे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट जो 2023 की आयोजित की गई थी वो छठवें नंबर की थी, इंदौर, छठवें नंबर इंदौर, फर्स्ट भी इंदौर में ही हुई थी, पहली और लास्ट मतलब छठवीं भी इंदौर में ही हुई थी। आगे बढ़ते हैं, सुराज नीति 2023 के तहत, सुराज नीति बड़ी अच्छी है, गरीबों को आवास मिल जाएगा। किस वर्ग को शासकीय भूमि में आवास योजना का लाभ प्रदान किए जाने के लिए कोशिश की गई है? जाति जनजाति पिछड़े वर्ग और आर्थिक वर्ग से कमजोर लोग। आर्थिक वर्ग से कमजोर लोगों के लिए सुराज नीति 2023 शुरू की गई थी आवासीय योजना को पहुंचाने के लिए। सबसे सस्ते दाम पर अच्छे मकान, सस्ते दाम पर अच्छे मकान के लिए सुराज नीति शुरू की गई थी। अगला, दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहां पर है? इक्वाडोर में है। बाकी तो जानकारी है, ये आपको चिली अर्जेंटीना। आगे बढ़ते हैं, आगे निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत नवीन वलत पर्वत का उदाहरण नहीं है? ब्लैक फॉरेस्ट रिफ्ट है, बाकी सभी नवीन वलित पर्वत के उदाहरण है। रॉकी भी नवीन परित पर्वत का उदाहरण है, याद रखना। एल्ब्रुस भी नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। आगे, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी रिफ्ट वैली में बहती है? मध्य प्रदेश की कौन सी नदी रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी में बहती है? सिर्फ ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी पर है, विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है, एंजल जलप्रपात सॉन्ट लॉरेंस नदी पर है और कुचिकल जलप्रपात वाराही नदी पर है। ये कुचिकल जलप्रपात कहां पर है? भारत में, भारत में कर्नाटक में है। एंजल जलप्रपात सॉन्ट लॉरेंस नदी पर नहीं है, चुरुन नदी पर है जो कि कैरोनी की सहायक है। आगे, विक्टोरिया जलप्रपात कहां पर है? कौन से कंट्री में? ये होमवर्क है, मैं अब इतना डेप्थ में नहीं जा रही, नहीं तो हमारा समय हो जाएगा। ये चारों के चारों जलप्रपात एक तो मैंने बता दिया, तीनों के जलप्रपात के भी स्थित, हाँ जाम्बिया, जिम्बाब्वे जाम्बिया दोनों के बीच में। आगे, कांगो गणतंत्र में कांगो जलप्रपात है। आगे, संसार में मैंगनीज की सबसे बड़ी खदान अपामा कहाँ है? अपामा खदान कहाँ है? ब्राजील में। अगला, तुर्की या टर्की एक यूरेशियाई देश है, इसकी सीमा किस सागर से नहीं लगी हुई है? देख लेना, ये तुर्की देश जो है एक साइड से स्थलीय सीमा से और तीन साइड से समुद्री सीमा से लगा हुआ देश है। अगर पूछा जाता है कई बार उत्तर दक्षिण और पश्चिम के रूप में, तो वैसे ही आप इसको याद कर सकते हो। पश्चिम में एजियन सागर के द्वारा, बनाना हो तो उसमें ही बना लेना, भूमध्य सागर दक्षिण
एक बार एटलस में इसकी स्थिति भी देख लेना ताकि वो पिक्चर दिमाग में आ जाए। और काला सागर, ब्लैक सी। अब प्रश्न क्या पूछा गया है कि सागर से नहीं लगी है, तो एंजियन से लगी, भूमध्य से लगी, काला सागर से लगी है, डेड सी से नहीं लगी है, तो ऑप्शन होगा इसका बी। आगे हो गया, आगे। प्रारूप समिति के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 संविधान निर्मात्री समिति या ड्राफ्टिंग कमिटी, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, सदस्यों के नाम कंठस्थ कर लो, ये तो मेंस में भी लिखने को वो 3 मार्कर के लिए दे देता है, तो उसके लिए पढ़ लो, ट्रिक पढ़ना हो तो ट्रिक देख लो और आप लोग घर पे जाके इसको डिटेल कर लेना। ट्रिक है, भीम के मित्र कृष्ण गोपाल खेत में साधो, भीम के मित्र कृष्ण और गोपाल खेत में साधु। देख लेना एक बार, साधवाचार्य बीजी खेतान के मुंशी भीमराव अंबेडकर के रूप में, मित्र सिंह अय्यर के रूप में देख लेना घर जाके आराम से, जिसको याद हो तो बहुत बढ़िया, ना हो तो याद कर लेना। आगे, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी, नागरिक गलत, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म को समर्थन, किसी का भी समर्थन नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का नहीं, ये किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, ऐसा प्रस्तावना में बोला गया है, पंथ निरपेक्ष राज्य भी इसे कहा जाता है। अगला है, मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रतिवर्ष कौन सा पुरस्कार देती है? ये आपके में है क्या क्वेश्चन? है ये आपके में? शिक्षा के क्षेत्र में, राधा कृष्णन पुरस्कार, ऐसा पुरस्कार कोई पढ़ने में तो नहीं आया, पर ठीक है। आगे, मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं? लोकसभा के चुने हुए सदस्य, जी हाँ होते हैं। राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, जी हाँ होते हैं। राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश मतलब दिल्ली और पांडिचेरी में भी विधानसभाएं हैं, वहां के भी चुने हुए सदस्य होंगे, लेकिन विधान परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। तो पूछ रहा है कौन से होते हैं, तो आंसर होगा सी, 1, 2 और 3। आगे, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतपद्धति के द्वारा इसका चुनाव राष्ट्रपति का किया जाता है। चलिए, ऑनलाइन स्टूडेंट आंसर देते जाना। आगे, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए, उसे अक्षुण के रूप रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया? अखंडता संबंधी मूल कर्तव्य किस स्थान पर है? तीसरा, याद था? मुझे भी नहीं था, क्योंकि मैं ऐसा याद भी नहीं करती कभी, पर ठीक है, प्रश्न है तो ठीक है, बाकी मौलिक कर्तव्य क्रम से ही पढ़े जाएं ऐसा कभी मैंने देखा नहीं है, पर ठीक है। प्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा अक्षुण बनाए रखने के लिए जो मूल कर्तव्य है इन आर्टिकल 51A में दिया गया है, वो है आपका तीसरा। चलो दूसरा भी पढ़ लेते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों को मानना, स्वतंत्रता सिद्धांतों को मानना का पालन करना। पहला है देश की रक्षा करना, और चौथा है देश की रक्षा करना, और पहला है राष्ट्रगीत और गान का सम्मान करना, राष्ट्रगीत और गान का सम्मान करना। ठीक है, याद हो जाए तो अच्छी बात, ना हो तो कोई बात नहीं, जो हमसे नहीं बनेगा वो हमारी किस्मत में था ही नहीं।
वो पूछेगा भी नहीं, ऐसा कॉन्फिडेंस रखना। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जिन्होंने हाल ही में कहा है कि भारत महिला मुक्केबाजी की राजधानी बनने वाला है या बन गया है? उमर क्रेवलेव, चेक कर लेंगे एक बार, यही है उमर क्रेवलेव। कहां से है? रूस से है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, क्या फिर से वर्तमान अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय है, भारतीय नहीं है ना? आगे बढ़े, करंट अफेयर्स था। भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल कर ली है? अच्छा है ये, इसके बारे में थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे हम। ये कहीं क्वेश्चन पूछा गया था कि GPAI में पी फॉर क्या है, ऐसा करके पूछा गया था। नवगठित संगठन है इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाकी फ्रांस से भारत ने इसकी अध्यक्षता स्वीकार की है। 2023 में जो GPAI का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो सम्मिट होना है वो इंडिया में ही होना है, तो ध्यान रखना। कब इसका गठन हुआ था? 15 जून 2020 को इसका गठन हुआ था। कृत्रिम बुद्धि मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना सदस्य देशों के साथ। कितने सदस्य देश हैं तो याद रख लेना, कंसेप्ट नया है, नया ऑर्गेनाइजेशन है। 29 देश इसके सदस्य देश हैं, जिसमें से एक भारत है। 2023 का जो यहाँ पर आयोजन होगा, 2023 का जो आयोजन होगा इस समिट का, वो आपके भारत में ही होगा, याद रख लेना इसमें पूरा जानकारी। कि ये जो GPAI का जो पहला समिट हुआ था, पहला सम्मेलन हुआ था, GPAI का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो कनाडा में हुआ था, ठीक? तो मतलब 20 से हो रहा था, तो याद कर लो पूरे 2020 का कनाडा में हुआ था और 2021 का फ्रांस में हुआ था, 2022 का जापान में हुआ था, और अब ये फिर से फ्रांस में होने वाला था, लेकिन भारत ने 2023 का अपने पास रख लिया। मैं ये वाला सिर्फ इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि ज्यादा देर टाइम नहीं हुआ, बाकी किसी सबमिट को याद मत करना पिछला कितने कितने हुआ। चूंकि 20 में ही स्थापना हुई तो 20, 21, 22, 23 एक नॉर्मल फॉर्म में याद किया जा सकता है, बाकी याद करने की जरूरत है नहीं है। अभी तो कोई पता नहीं है, नवंबर में होना है, जहां पे भी हो जाए। कंप्यूटर वाली क्लास कब होगी? आगे कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा से पीएससी का। पीएससी ना थोड़ा सा और अच्छे सबमिट पे ना जाकर के संघाई पूछ लेगा, सार्क पूछ लेगा, ये यहीं पर रहता है, तो ठीक है, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य निम्न में से कौन बना है, तो हम देख लेते हैं पूरी जानकारी जो मैं आपके लिए लेके आई हूं। ब्रिक्स देश, हाँ जी, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट, ब्रिक्स का फुल फॉर्म तो आपको पता होगा क्योंकि ब्रिक्स संघ पहले बन गया था, अभी बात चल रही है ब्रिक्स बैंक की। ब्रिक्स बैंक की स्थापना हुई थी 15 जुलाई, याद रख लेना, 2014, ठीक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो शंघाई चीन में है, शंघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है। नए देश जो जुड़े हैं, मैं चाहती हूं याद हो जाए, चार देश हैं जो नए देश जुड़े हैं, इसकी ट्रिक बना के लाई हूं, अच्छी लगे तो लिख लेना। ट्रिक है ओबास मी, जो आप लोग को नींद आ रही है वही ओबास मी, तो देख लो भाई ट्रिक इसकी। सही आंसर है इसका जो नया देश है वो मिश्र है। संघाई ब्रिक्स देशों का सम्मेलन, बैंकों का सम्मेलन है जिसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। वर्तमान अध्यक्ष देख लेना, वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसकी? ये ओबास है ना, ये यू है ओबास, ठीक है,
संयुक्त अरब अमीरात वाला है, उज्बेकिस्तान नहीं है, गलती नहीं करना, संयुक्त अरब अमीरात वाला है, बांग्लादेश है, मिस्र है, ठीक है। तो सही वर्तमान है डिल्मा रोसेफ, याद रखना डिल्मा रोसेफ। ये कौन है? ये ब्राजील की पहली महिला राष्ट्रपति है, ब्राजील की पहली महिला राष्ट्रपति है, इसलिए भी याद रखना है। और क्या जानकारी हो सकती है? और ये जानकारी हो सकती है कि ब्रिक्स के पूर्व सदस्य देश कौन से हैं? तो वो तो आपने स्टैटिक जीके में पढ़े लोगे, जो पैटर्न जीके है ना, उसमें देख लोगे, नए देशों को जरूर देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? एक तो बड़े लंबे समय बाद बांग्लादेश में राष्ट्रपति चुने गए, इससे याद कर सकते हो क्या? मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू। और वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है बांग्लादेश की? शेख हसीना, शेख हसीना। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी, गठन, और बांग्लादेश का संविधान कब बना था? अगर पूछना होगा तो ये पूछ सकता है, नहीं तो बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है बताओ? बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद, ठीक। बांग्लादेश में संविधान बना था 16 दिसंबर 1971 में, इसी दिन को बांग्लादेश में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बांग्लादेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था 26 मार्च 1971 को। जैसा पूछा जाए वैसा तैयार कर लेना अपनी तैयारी को, तो बढ़िया होगा। ठीक है ना, जहां जहां से पूछना होगा पूछ लेगा, राजधानी मैं नहीं बता रही, पता है सबको। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया गया था, जी बिल्कुल मनाना चाहिए। और 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? पृथ्वी दिवस। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? पर्यावरण दिवस। आज कौन सा दिन दिवस मनाया जा रहा है? न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे? अच्छा, एमपीपीएससी 15 मई तक का पूछेगा करंट, फिर क्या करोगे? ये तो अभी अभी कहीं ताजा ताजा है, पढ़ लो, न्यूज़पेपर तो पढ़नी है, दैनिक भास्कर ही तो पढ़ना है। रुक जाते हैं ना जल्दी से, ठीक करो। करो करो, हाँ जी ठीक है। तो क्या था? परिवर्तन में तेजी। 22 मार्च विश्व जल दिवस का थीम था परिवर्तन में तेजी। कहानी से शिक्षा ये मिलती है, जिसका गलत है वो पढ़ लेना थीम, है ना। और नहीं भी पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा पीएससी में, ऐसा कॉन्फिडेंस लेके जाना। कहाँ गई क्लास? हिंदी हिंदी दिख रहा है अभी तो। भैया चलो, अरे यार लॉग आउट करो, मैं पहुंचूंगी नहीं ना वहां तो। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सिंचाई परियोजना से संबंधित नहीं है? चंद्रशेखर आजाद परियोजना अलीराजपुर में है, थावर परियोजना मंडला में है, मंडला में, बावनथड़ी बालाघाट में है, उर्मिल परियोजना छतरपुर में है, सब सही है। मोहिनी सागर परियोजना कहाँ है? मोहिनी सागर शिवपुरी में है, जिसे अटल परियोजना भी कहा गया है, अटल परियोजना। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा होके गुजरती नहीं है? ना मैं वो पढ़ रही हूँ ऑप्शन,
ट्रिक बस पढ़ लेना कि रउआ राशि भवरासा दम जब कटनी उमरासा, रउआ राशि भवरासा दम जब कटनी उमरासा। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल, 14 जिलों से मध्य प्रदेश में कर्क रेखा गुजरती है। इन 14 जिलों में से भोपाल एक ऐसा संभाग है जिसके 5 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। अब जो क्या पूछ रहा था, किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अनूपपुर से नहीं गुजरती है, सही था। आगे, मध्य प्रदेश के किस विमानतल में फ्लाइंग एविएशन अकादमी की प्रारंभ किया जा रहा है? तो पहली तो बात है कि इसका नाम है अहिल्या एयरपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय है, पीएससी लास्ट एग्जाम। फिर पूछ रहा है भोपाल, तो इसका नाम है भोज, खजुराहो तो खजुराहो ही है, इसका नाम है डुमना एयरपोर्ट, यानी रानी दुर्गावती एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। खजुराहो में फ्लाइंग अकादमी, एविएशन अकादमी खोलने की योजना प्रारंभिक है या प्रस्तावित है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अहिल्याबाई जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा, और यहाँ पर विमान रिपेयरिंग सेंटर, अगर तुम्हारा हेलीकॉप्टर खराब हो जाए तो यहाँ पर सुधरवा लेना, विमान रिपेयरिंग सेंटर भी खोला जा चुका है। ठीक, तो ये हो गया इंदौर। लिख लो जो नहीं लिख रहे हैं, और जो नहीं लिख रहे हैं वो मत लिखो, जो लिख रहे हैं वो लिख लो। ठीक, तो ये बात हो गई। पहली फ्लाइट कहाँ से शुरू की गई थी? इंदौर से अंतर्राष्ट्रीय, इंदौर से दुबई के लिए पहली सेवा अंतर्राष्ट्रीय के रूप में शुरू की गई थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 5वां जो एयरपोर्ट है वो ग्वालियर में है, जिसका नाम है विजया राजे सिंधिया विमानतल। आगे, मध्य प्रदेश के किस शहर में जैविक महोत्सव का आयोजन किया गया था? भोपाल, मुरैना, खंडवा या इंदौर, जहां पे G20 समिट का मुख्य आयोजन हुआ था वहीं पर इसका आयोजन किया गया था, इंदौर में ही किया गया था। G20 समिट भी यहीं पे हुई थी, और जैविक महोत्सव ढक्कन वाला कुआं में ग्रामीण हाट है वहां पर किया गया था, इंदौर में किया गया था G20 समिट। ये क्वेश्चंस कुछ पूछे जाने चाहिए क्योंकि ये G20 से रिलेटेड है। आगे, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल की स्थापना, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल की स्थापना 50 है ना, ठीक, भोपाल की स्थापना कब की गई थी? 1982 में की गई थी वन प्रबंधन संस्थान। इसके अलावा भोपाल में क्या है? तो कृषि अभियंत्रिकी संस्थान है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग संस्थान भी यहीं पर है। 1972 में भोपाल में, ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, इप्को की स्थापना हुई थी, या तो ऐसे लिख दे या तो वो ऐसे लिख दे, आपको याद रखना है इप्को कहाँ पर है? भोपाल में। फुल फॉर्म में एनवायरमेंटल प्लानिंग कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन, पर्यावरण नियोजन समन्वय संगठन, इप्को, पर्यावरण नियोजन समन्वय संगठन इप्को 1972 में स्थापित हुआ था, भोपाल में स्थापित हुआ था। इसके अलावा भोपाल में काफी सारे संस्थान है, किस किस की ही बात करो, RGPV भी कहां पर है? भोपाल में है। इसके अलावा ऊर्जा विकास निगम कहां पर है? ये भी भोपाल में है। खनिज निगम कहां है? ये भी भोपाल में है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रशासनिक अकादमी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रशासनिक अकादमी, प्रशासनिक अकादमी ये भी आपके भोपाल में है। मैनिट कहाँ है? ये भी भोपाल में है। मौलाना अबुल कलाम आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इतनी चीजें भोपाल में। 50 क्वेश्चन हो गए हैं, पानी वानी पी लो, अगले 50 की चर्चा करते हैं। 50 में से कितने सही हैं आप लोगों के? हाँ, कितने सही हैं? 36-37। ऑनलाइन में भी बता दीजिए कितने सही हैं, ऑनलाइन में जाना चाहते हैं, पानी पीने जाइए।
और लाइन में जल्दी से बता दीजिए, 36, 49 सही है। मनीषा वर्मा बहुत बढ़िया, एक नंबर बात कर दी। और ऑनलाइन में कितने कितने से 40। दूसरी क्लास नहीं, 51 से 100 क्वेश्चन का डिस्कशन, 45। नाम चयन, छाया, छाया 45, अक्षय 42, संग्राम 43, रोशनी 39, वेरी गुड, शिव 44, अरे एक नंबर टॉप करेंगे, आपका नाम दैनिक भास्कर में छपेगा। जितने लोग ऑनलाइन में भी बैठे हुए हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, खाना पीना कर लीजिए, ताकि 51 से 100 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर सके। भैया पानी देना। 44 भी आए हैं शिवानी के, वेरी गुड। पीएससी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस हो रहा है जी, 40 नेहा सिंह, वेरी गुड। छा रहे हो ऑनलाइन वाले आप लोग तो, ऑफलाइन वाले टेंशन नहीं लेना, वहां पे एग्जाम निकालना, यहाँ नहीं निकालना। अब ये समय रह ही नहीं है कि आप टेंशन लो। दूसरी तीसरी बार कौन दे रहा है इसमें से, दे रहे हैं। इसके बीच में जब से प्रीलिम्स नहीं थी उसके बीच में और भी एग्जाम दिए थे, दिए थे सब नहीं दिए थे, और भी एग्जाम दिए थे, क्यों दिए थे जब पीएससी की टारगेट कर रहे थे तो नहीं देना था। अब मत देना कभी आगे, कोशिश करना यही वाला प्री निकल जाए, और नहीं भी निकलते ना तो प्रीलिम्स के अलावा और एग्जाम मत देना, भटक जाते हो। जो पीएससी का मेन कोर है ना वो आप लोग नहीं पढ़ते, आप लोग खुद सोच रहे हो। हर एग्जाम का पैटर्न अलग अलग होता है, पीएससी का पैटर्न हर एग्जाम से अलग है ना, तो मत देना। मेरे हिसाब से आप लोग फ्री बैठे रहोगे, आप कहोगे मैडम पीएससी तो एग्जाम निकालता नहीं है, मेरे हिसाब से मेंस की तैयारी कर लेना, पर प्रिपरेशन जब तक टाइम है, अभी एज भी है तो मेरे हिसाब नहीं है टाइम, तो मेरे हिसाब से मत करना जो अंडर ग्रेजुएट या फिर टाइम है जिसके पास। थोड़ा सा तेज बोलो, बिल्कुल निकलती है कैसा, भवरा भा भा भाप और भोपाल है, बा से विदिशा है, 30 सही है आपके, ठीक है 30 यहाँ 40 वहां, हो गए 70 माइनस नहीं है लगे तो सही है ना। टेंशन वेंशन मत लेना, ये चेहरे जो है रे एग्जाम ऐसे करना कि निकल जाए, और नहीं निकलेगा तो भी कोई टेंशन नहीं है। ऑनलाइन वाले भी चलो मैं स्टार्ट करती हूँ ना। क्वेश्चन 51, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी धार से शादियाबाद, मतलब कि मांडू, धार से शादियाबाद मतलब कि मांडू में स्थापित की थी। दिलावर खां, होशंग शाह, बाज बहादुर, अहमद शाह। होशंग शाह के द्वारा यह राजधानी परिवर्तन का काम किया गया था। यहाँ पर सफेद संगमरमर की इमारत है, सफेद संगमरमर की इमारत है जिसमें होशंग शाह की समाधि है, और यह होशंग शाह की समाधि मांडू में स्थित है, सॉरी होशंग शाह का मकबरा। सफेद संगमरमर की मध्य प्रदेश की पहली इमारत मांडू जिले में स्थित, मांडू धार में स्थित है। जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है, जोगेश्वरी देवी का मेला लगता है अशोकनगर में। महाकाल या फिर कुंभ का मेला लगता है, कुंभ का मेला लगता है मुरैना में, याद रखना। गोटमार मेला लगता है छिंदवाड़ा में, ठीक। तेजाजी का मेला लगता है गुना में। सबसे बड़ा व्यापार मेला लगता है ग्वालियर में, ग्वालियर में। और एक लास्ट, गधों का मेला लगता है उज्जैन में। मेलों की नगरी किसको कहा जाता है, उज्जैन को। सबसे ज्यादा मेले उज्जैन में हैं, इसलिए मेलों की नगरी
उज्जैन को कहा जाता है क्योंकि धार्मिक क्षेत्र बहुत सारे हैं। आगे, निम्नलिखित में से किन गुफाओं पर की गई चित्रकारी को फ्रेस्को मुगल पेंटिंग यानी मुगल स्थापत्य कला से संबंधित है कहा जाता है? भर्तृहरि की गुफा उज्जैन में मिलेगी, भर्तृहरि के तपस्या स्थली के रूप में परमार शासकों के द्वारा बनाई गई, उदयगिरी की गुफा आपको विदिशा में मिलेगी, इस विदिशा में विष्णु के वराह अवतार की सबसे ऊंची खड़ी हुई मूर्ति है, और भीमबेटिका की गुफा आदि मानव काल की या फिर प्राग ऐतिहासिक काल की शैल चित्र भित्ति, शैल मतलब चट्टान, चित्र भित्ति मतलब दीवार, शैल चित्र भित्ति के रूप में मिलेगी। बाघ की गुफाएं जिसे रंग महल की गुफाएं भी कहते हैं, रंग महल की गुफाएं भी कहते हैं, धार जिले में स्थित है जो कि फ्रेंस्को मुगल पेंटिंग से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक, बाकी जो जानकारी मुख्य मुख्य थी साथ में लिख दी है। वराह की सबसे बड़ी विष्णु के 12 अवतार में एक सुअर भी है जो कि खड़गासन के रूप में, उदयगिरी की गुफा, भीमबेटिका की गुफा प्राग ऐतिहासिक काल में किसके द्वारा खोज की गई? वाकड़कर के द्वारा इसकी खोज की गई, विष्णुधर वाकड़कर के द्वारा। भर्तृहरि की गुफा उज्जैन में है और बाघ की गुफा धार जिसे रंग महल की गुफा भी कहते हैं, और यहाँ पे बौद्ध चित्रण मिलता है और इसकी तुलना महाराष्ट्र की अजंता की गुफाओं से भी तुलना की जाती है, ऐसा भी आपको साथ में याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जोधैया बाई बैगा को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। जोधैया बाई मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? डिंडौरी जिले की महिलाएं बैगा चित्रकारी करती हैं। जोधैया बाई उमरिया है? फिर चेक कर लें, उमरिया से। ठीक, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। आगे, मध्य प्रदेश में आदिवासी लोक कला एवं पारंपरिक कला को प्रोत्साहन के देने से उद्देश्य से, अभी देखा था पेमा फाल्या में इसको, तुलसी सम्मान कब शुरू किया गया था? 1983 में शुरू किया गया था, और तुलसी अकादमी, तुलसी सतासी। आगे, प्रश्न क्रमांक 56, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, सबसे ज्यादा प्रतिशत, क्यों ये प्रतिशत सेम क्यों दिया इसमें, गलत ही दिया है ना सबका, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति वाला राज्य मिजोरम है, और जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश। कितनी जनजाति? 46 जनजाति, 46 प्रकार की जनजाति पाई जाती, इसलिए जनजातीय राज्य कहा जाता। ये वाला एक बार चेक कर लेना, 43 है, कई जगह 47 भी दिख रहा है, नहीं कई जगह 47 भी आ गया, बढ़ाने के बाद भी इसमें ऐड कर दिया गया है, एक बार और चेक कर लेना। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे 8 लेन वाला राजमार्ग भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरेगा? तो नहीं गुजरेगा तो याद रखना कि उत्तर प्रदेश में नहीं जाना है इसको, मध्य प्रदेश में जाना है, और कौन कौन से राज्य होंगे जहां पर वो जाएगा तो याद रखना, 5 राज्यों में जाना है इसको। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे 8 लेन का जो हाईवे होगा, हरियाणा से शुरू होगा, राजस्थान में जाएगा, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, 5 राज्यों में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, उत्तर प्रदेश के साथ जाना ही नहीं है, सीधे दिल्ली से शुरू होगा और हरियाणा से शुरू होगा और राजस्थान की ओर चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसमें सुधार दिया था तो आंसर तो पता चल ही गया होगा, हाँ ना, सुधारने के साथ ही आंसर पता चल गया था। ये जो है वो 1664 है, तो 1600 भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ दिक्कत वहां थी, तो सही आंसर होगा असत्य कथन को छांटना था। कलसुबाई दक्षिणी सह्याद्री में नहीं, उत्तरी सह्याद्री में है, तो फिर वही बात है ना, मीटर्स में यहाँ पे हर जगह दिक्कत है, तो ये क्वेश्चन को या तो पीएससी के जैसे डिलीट कर दो, नहीं तो थोड़ा बहुत सुधार कर दो, क्वेश्चन में ही दिक्कत थी। आगे,
काकड़ापारा परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? ताप्ती नदी, उकाई भी इसके साथ है, गुजरात राज्य है, गुजरात इसका राज्य है। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल से, मध्य प्रदेश की चौथी बड़ी नदी है, लंबी नदी है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा के समांतर बहती है, और क्या ही होगा, नर्मदा के समांतर भी बहती है। आगे चांदनी विद्युत ताप विद्युत परियोजना कहां पर है? बुरहानपुर। ये जो थर्मल है, यहाँ का जो कोयला है, जो पानी प्राप्त करता है, वो ताप्ती नदी से ही प्राप्त करता है, ऐसा भी याद रखना चाहिए। आगे असत्य का चयन कीजिए। ग्रैंड चैनल सुमात्रा और निकोबार के मध्य है, कोको स्ट्रीट कोको द्वीप और अंडमान के मध्य है, पाक खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है, और 9 डिग्री मालदीव और मिनिकाय नहीं, लक्षद्वीप और मिनिकाय के बीच में है, लक्षद्वीप और मिनिकाय के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर होगा डी। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, साथ साथ में पढ़ते जाइए, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बताना। तारापुर महाराष्ट्र, ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति का कौन सदस्य नहीं होगा? अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा, इसका क्या काम है? विपक्ष विधानसभा का विपक्ष नेता होगा, राज्य का गृह मंत्री होगा, कौन नहीं होगा? विधानसभा का उपाध्यक्ष नहीं होगा नियुक्ति समिति में, कहीं पर भी नहीं होगा। आगे जो सामने बैठे कर पा रहे ना साथ साथ में, आगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से संबंधित असत्य कथन को छांटना है। आयोग का नोडल मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। यह एक संविधिक या संवैधानिकतर या वैधानिक सॉरी वैधानिक संस्था स्टेचुरी बॉडी है। 5 मार्च 2007 को गठन किया गया। इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 60 वर्ष था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष शांता सिन्हा थे, यह भी सही है ना? 60 ना होके 65 होगा, ये भी थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, क्योंकि यहाँ पे सदस्य भी बोला गया और सदस्यों का कार्यकाल 60 है, थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। केवल अध्यक्ष का पूछता तो पूरा गलत होता, क्योंकि 3 वर्ष या 65 वर्ष केवल अध्यक्षों के लिए होना चाहिए, है ना? थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, पर ठीक है, बाकी तो सब सही ही है, तो उस अनुसार ले लेना। शांता सिन्हा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। आगर 63, केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में कौन नहीं शामिल होता है? ठीक है, नियुक्ति करना है, समिति बनाई है, तो ये तो नहीं भी पता होता तो राष्ट्रपति लगा देते कि समिति में राष्ट्रपति क्या करेगा, डायरेक्ट जो समिति बोलेगी उसको नियुक्त कर देगा। आगे केंद्रीय सतर्कता आयोग के संविधिक स्टैचुरी संवैधानिक ना के संसदीय दर्जा दिया गया था। किस अधिनियम के द्वारा इसको दर्जा को दिया गया था? 2003 में CVC को, केंद्रीय सतर्कता आयोग को संसद के द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया था। और लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि जो प्रथम आयुक्त थे वो श्रीनिवास राव थे, और जो वर्तमान आयुक्त हैं वो सुरेश एन पटेल हैं। और इस समिति की जो सिफारिश की थी वो संथानम समिति के द्वारा की गई थी। सतर्कता वो किस पे रखता है तो याद रखना, जब आप प्रशासनिक अधिकारी बन जाओगे तो आपके ऊपर जो नजर रखने वाला होगा वो CVC ही होगा, उसके अलावा कोई भी एक ऐसा आयोग नहीं है जो प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर नजर रखता हो। तो संथानम समिति की सिफारिश पर श्रीनिवास राव प्रथम अध्यक्ष, सुरेश एन पटेल वर्तमान अध्यक्ष, 2003 में इसको वैधानिक दर्जा संसद में अधिनियम बना करके दिया गया। मध्य प्रदेश राज्य, एक ये भी डिस्प्यूटेड है शायद, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की संरचना में असत्य को छांटना है। एक अध्यक्ष एवं
पांच अन्य सदस्य होंगे। सचिव राज्य सरकार की अपर सचिव के पद से अन्यून स्तर का अधिकारी होगा। आयोग में कम से कम एक महिला होगी, ऐसा नहीं बोला उसने, दो के संदर्भ में बोला है, चाहे वह अध्यक्ष हो, सदस्य हो या सदस्य सचिव हो। उसमें एक सदस्य अनुसूचित जाति का और या नहीं, उसमें से फिर एक चुनना पड़ेगा, अनुसूचित जनजाति का होगा। तो इसको ऐसा समझना, एक अध्यक्ष, पांच अन्य सदस्य और एक सचिव, ऐसा इसका क्रम बनता है खाद्य संरक्षण आयोग का। तो ऐसे करके आपको प्रश्न सही लगाना है। इसका मैं सही उत्तर नहीं बता रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा मिसप्रिंट है, बाकी आप प्रश्न को समझ लेना। क्या बात है, तो फिर ये सुधार लिया था आप लोग ने पेपर में, अगर ये सुधार लिया है तो फिर सी इसका आंसर होगा। ठीक, तो मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की जो संरचना होती है, एक अध्यक्ष, पांच सदस्य, एक सचिव होगा। पांच सदस्य में एक सदस्य एसटी, एक सदस्य एससी, फिर एक सदस्य में से दो सदस्य महिला की ही हो जाएंगी और एक सदस्य जो होगा वो संबंधित विशेषज्ञ होगा। मध्य प्रदेश में मलखंब अकादमी की स्थापना कब की गई थी, कहाँ की गई थी? उज्जैन में की गई थी 2018 में, मलखंब अकादमी। आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ी मिला लो, विश्वामित्र पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार। मध्य प्रदेश के ही दो पुरस्कार है और आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश के पुरस्कारों की पुरस्कार राशि बढ़ गई है। विक्रम पुरस्कार 2 लाख मिलने लगा है, विश्वामित्र में भी 2 लाख मिलने लगा है और एकलव्य पुरस्कार में जो पहले 50,000 मिलता था अब वह 1 लाख हो गया। और वो पहले कितने लोगों को दिया जाता था, तो अंडर 19 को दिया जाता था, अब ये अंडर 21 को दिया जाने लगा है। ये जो नए चेंजेस है वो भी आप लोग पढ़ के जाना। एकलव्य पुरस्कार 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को या बालकों को दिया जाता है, 1 लाख इसकी पुरस्कार राशि होगी। सही मिला लेते हैं, विश्वामित्र पुरस्कार 1994 और एकलव्य पुरस्कार भी 1994 में स्थापित हुआ था। विक्रम पुरस्कार 1990 2 लाख पुरस्कार राशि है। अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है 1961 सचिन तेंदुलकर को मिल चुका है। ध्यानचंद्र खेल पुरस्कार 1991-92 में दिया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना, मध्य प्रदेश में 5 खेल पुरस्कार दिए जाते हैं, मध्य प्रदेश में 5 खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। जो विक्रम पुरस्कार है वो सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है, जो एकलव्य पुरस्कार है वो जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है, जो विश्वामित्र पुरस्कार है वो कोच को, खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है जो सिखा रहा होता है। एक पुरस्कार है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, जो पूरी उम्र कुछ ना कुछ अच्छा किया हो। और पांचवा पुरस्कार है प्रभाष जोशी पुरस्कार, जो कि मलखंब खेल में दिया जाता है। ऐसे करके मध्य प्रदेश में 5 खेल पुरस्कार है, जो अंतिम खेल पुरस्कार जो जुड़ा था वो प्रभाष जोशी पुरस्कार जुड़ा था 2018 में। रीचेक कर लेना, 17 बता रहा है, एक बार रीचेक कर लेना अगर ऐसा लग रहा है तो। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल, संतोष, और रणजी ट्रॉफी तो पता ही है। सुपर मॉम नामक कौन सी खिलाड़ी है, आपने देखा होगा मैरी कॉम मूवी, जुड़वा बच्चे हुए थे, मुक्केबाजी करती हैं, सुपर मॉम मैरी कॉम को कहा जाता है। सानिया मिर्जा तो नहीं है, नहीं है। आगे, एशियाई खेल 2030 कहां प्रस्तावित है? अभी 2026 की उन्हें बाकी है, ठीक है, घबराना नहीं। 2030 दोहा कतर में होंगे, दोहा कतर में होंगे। 2022 के खेल भारत में हो चुके हैं और 2026 के खेल जापान में होंगे, हो चुके हैं। रीचेक करना, मुझे तो यही पता है, यही पर डाउट है बस, हो चुके। अरे चीन में होना है, भारत में होना था, क्यों, रीजन क्या है भारत में ना होने का? फिर तो आगे का भी देख लेना, एक बार चेक कर लेना।
यार रीचेक करो एक बार, अभी रीचेक करो। कर लो एक बार, सभी जो भी रीचेक कर रहा हो, एशियाई खेल ऑनलाइन भी रीचेक कर लेना। क्या बोल रहा है? सिर्फ 2022 देख लो, चीन ही बोल रहा हूँ। 22 के 23 में होने, चीन में होने, और 26 जापान में ही होने, और 30 के दोहा में ही होने। ठीक है चलो आगे बढ़ते। 71, असत्य का कथन का चयन करना है। कोल विद्रोह बुद्धो भगत, मोपला विद्रोह रंगास्वामी, मुंडा का तो बिरसा मुंडा सही है, संथाल विद्रोह भी सिंधु कान्हू सही है, गलत क्या है? मोपला विद्रोह जिसकी शुरुआत की थी वरिया कामनाथ ने। चेक कर लेना वो वाला क्वेश्चन, अभी भी कोई डाउट हो तो। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, जिसके नेतृत्व करता वरिया मुकनाथ थे, और कोल विद्रोह के तो बुद्धो भगत है ही है, ये तो आपको पता ही है। ठीक आगे बढ़ते हैं। 72, निम्न में से कौन सा अधिनियम मुंह बंद करने वाला अधिनियम था? आज बहुत इसका काम चल रहा है, क्योंकि आज ही के दिन 3 मई को पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और आपको पढ़ा होगा आपने कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा था, ये मुंह बंद करने वाला एक्ट था पत्रिकाओं पर। तो एक पत्रिका थी अमृत बाजार पत्रिका, ये डर के मारे बंगाल में बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी, लेकिन ये ना इसी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण बंगाली भाषा से इंग्लिश में प्रकाशित होने लगी। तो सबसे ज्यादा प्रभाव अमृत बाजार पत्रिका ने अपने ऊपर डाल दिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, मुंह बंद करने वाला, पत्रकारिताओं को खत्म करने वाला, खासकर भारतीय से संबंधित था। भारतीय इतिहास में भगवान बसवेश्वर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये प्रश्न पढ़ने के बाद भी मुझे भी पहले से पता पहली बार पता चला कि ये कोई व्यक्ति है ऐसा वैसा। मैं सोच रही थी कि बागेश्वर बाबा क्या पूछना चाह रहा है, पर मुझे भी पहली बार ऐसा प्रश्न पढ़ा। आप लोग ने पहले किसी को जानकारी थी इसके बारे में? था। और मैंने जब सर्च किया तो भगवान नहीं मिले मुझे तो एक सामान्य समाज सुधारक, हिंदू समाज सुधारक के रूप में इनका नाम मिला, सिर्फ इतना ही मिला है ना। तो पर ठीक है, पढ़ लेते हैं कि बसवेश्वर 12वीं सदी के एक कवि और दार्शनिक संत थे, लिंगायतवाद का संस्थापक माना जाता है, और इन्होंने कल्याणी शालुक्य को सेवाएं देने से मना कर दिया था। सत्य कथन पूछ रहा है, तो इसके अनुसार मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, जितना मिला मुझे वो हिंदू समाजवादी सुधारक के रूप में मिला। कलचुरी नाम आ रहा था, एक बार आप लोग रीचेक कर लेना। कलचुरी शासन को अपनी सेवाएं देने से मना किया था, और ये दोनों सही हैं कि लिंगायत संस्थापक और कवि और दार्शनिक संत थे। आगे, अद्वैव मात्रक मौर्य काल से संबंधित है। वह भूमि होती थी जिसमें बिना वर्षा के ही देव की उपस्थिति हो जाए, तो वह था भूमि का नाम जिसमें बिना वर्षा के ही अच्छी खेती हो जाए। आगे, तालिकोटा या राक्षस तांडी का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। बिल्कुल याद होना चाहिए, ये तो आसान सा प्रश्न है, ये तो फैक्चुअल था। चंबल नदी का उद्गम जानापाव में, इसकी कुल लंबाई 965, अवध तेंत्र इंदौर धार रतलाम आदि जिलों में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा बनाती है, सर्वथा गलत है। असत्य कथन का पूछना है, चौथा भी गलत है, बाकी सब सही है। डी आंसर होगा इसका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत ग्रह एनटीपीसी के द्वारा संचालित सबसे बड़ा है? विंध्याचल मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है, जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा संचालित किया जा रहा है। कहाँ पर है? सिंगरौली बेड़न में। बेड़न क्या बोलते इसको? ऊर्जा राजधानी। संत सिंगा जी आपको पता है, संजय की ताप उमर में, उमरिया। आगे, जमुना परी किसकी नस्ल है? बकरी की। उत्तर प्रदेश के इटावा में सबसे ज्यादा जमुना परी होती है,
गरीबों की गाय बकरी को कहा जाता है। ठीक, प्रकाशित वन विकास रिपोर्ट 2021 की जो वन विकास रिपोर्ट थी वो देश की 17वीं वन विकास रिपोर्ट थी, याद रखना, पता होगा। मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव, प्रथम प्रमुख मुख्य सचिव कौन थे? प्रथम के बारे में पूछा जा रहा है, मुख्य सचिव बहुत काम करते हैं तो कामत है ना, निर्वाचन करना लोहे के चने जैसा या लोहा लेने जैसा होता है, तो प्रमुख थे, प्रथम थे लोहानी, तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे लोहानी और प्रथम मुख्य सचिव थे एचएस कामत। नरहुन्ना भी थे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी नहीं है? कितनी महारत्न कंपनियां हैं वर्तमान में? 11। 12वीं कौन सी है? हाँ, ग्रामीण विद्युतीकरण। तो मैं 11 याद करवा देती हूँ, 12वां आप लोग ऐड कर लेना, ठीक है? 11वां याद कर लेना, हो जाएगा तो देख लेना, ट्राई मैंने किया है ताकि आपकी परीक्षा भी सर पे याद हो जाए। ONGC, SBI, भाजपा, जिसको याद नहीं है वो याद कर लेना, जिसको याद है तो और अच्छे से याद कर लेना। भारत की 12 महारत्न कंपनी, ONGC, NTPC, ये तो बेसिक थी, स्टार्टिंग से ही थी, गेल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, सेल, BPCL, IOCL, ये भी बेसिक वाली थी, स्टार्टिंग से ही थी। हमारे मध्य प्रदेश में भेल, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL, पावर ग्रिड, पावर फाइनेंस, और जैसा कि आप लोग बता रहे हैं पावर फाइनेंस, और जैसा आप लोग बता रहे हैं तो मैंने पापा जी कर दिया इसको, तो पापा जी में जी आ गया, एक बार रीचेक कर लेना, मैं इसको स्टार में डाल देती हूँ। अगर ये कंफर्म है तो ग्रामीण विद्युतीकरण, मुझे थोड़ा सा डाउट है इसलिए क्योंकि ग्रामीण के बारे में बात कर रहा है, तो महारत्न के उतना टर्नओवर है या नहीं है ये रीचेक कर लेना, तो उसको स्टार डाल रही हूँ। ऑनलाइन वाले भी मध्य प्रदेश के, भारत की महारत्न कंपनियां 11 तो याद कर लो, ONGC, SBI, भाजपा, पा याद कर लो, याद हो जाएगी। ONGC तो ONGC से 4 कंपनियां याद हो रही हैं, SBI से 3 कंपनियां, IOCL याद हो रहा है, और भाजपा पा, तो भाजपा में भेल, HPH से हज कर दिया मैंने, HPCL और पावर ग्रिड, पावर फाइनेंस, यहां तक तो क्लियर है। 12वीं एक बार आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रीचेक करके, अगर ग्रामीण विद्युतीकरण सही है तो ही उसको ऐड करना, और नहीं करना हो तो मत करना, ये मैं क्लियर बोल रही, ये लोग आप लोग देख लेना, ठीक? थोड़ा सा डाउट है क्योंकि ग्रामीण विद्युतीकरण का टर्नओवर है इतना ही टर्नओवर, अरे गजब हो गया। चलो आगे, चलो ट्रिक भी बन गई। अप्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? हमारे जेब में से जाता है, कैसे नहीं है? ये तो प्रत्यक्ष कर है, इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। आगे बढ़ते हैं। राजस्व घाटा निकालना हो, घाटा निकालना है तो जितना व्यय हुआ है उसमें से प्राप्ति को घटा दो, तुम अपने घर का घाटा भी ऐसे ही निकाल सकते हो। तो राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्ति को घटा दिया जाता है, जितना गया है उतना। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा विदेशी व्यापार से संबंधित होगा जिसमें आयात निर्यात के संतुलन को देखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है, यह केवल विकसित देशों को, यह केवल जो उसके सदस्य देश होंगे उसको ही ऋण प्रदान करता है, यह इसका कथन सही है। आगे, प्रदूषकों, कोई डाउट?
राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्ति कम होगी, व्यय ज्यादा होगा तो माइनस में नहीं चला जाएगा, है ना। प्रदूषकों को उनका दीर्घकालीन प्रभाव के साथ कूटों की सहायता की उसको जोड़ लीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, धूल के कण और सीसा, सीसा से होता है कैंसर, लेट। तो डी का होगा टू, डी का होगा टू, बाकी को देखो ही नहीं और उत्तर लगा दो, बाकी मिला ही लेना अगर मिलाना होगा तो, समय कम हो तो बाकी मिला ही लेना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो श्वसन संबंधी रोगों को देखता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होंगे केंद्रीय नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, धूल के कण लीवर या किडनी को प्रभावित करते हैं और सीसा से होता है कैंसर, ये प्रदूषणकारी तत्व है। आगे, कुल दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश में देश में कौन से स्थान पर है? दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा है शायद, जी तीसरा है, तीसरा स्थान है। प्रथम देख लेना राजस्थान है, द्वितीय देख लेना उत्तर प्रदेश है, तृतीय देख लेना मध्य प्रदेश है, चौथा भी देख लेना गुजरात है अमूल, और पांचवा है आंध्र प्रदेश। टॉप फाइव दुग्ध उत्पादन 2022 देख लेना, टॉप फाइव दुग्ध उत्पादन में 2022 मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा है। और अगर मध्य प्रदेश का डाटा लिखना हो तो कुल का 8.06% मिल्क प्रोड्यूस करता है टोटल, और राजस्थान टोटल का 15.02% उत्पादन करता है। मेरे हिसाब से पहला और मध्य प्रदेश का आंकड़ा अगर देखना हो तो सिर्फ वो दो आंकड़े आप लोग देख सकते हो, और आंकड़े ना भी पूछे तो टॉप फाइव देख लेना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से टॉप फाइव स्टेट है। दूर संवेदी एजेंसी का मुख्यालय मध्य भारत में कहाँ पर है? हैदराबाद में ना, एक तो गुना में भी है, एक कल श्रीहरिकोटा में, तो दूर संवेदी यही पूछ रहा है वो, हैदराबाद वाला दूर संवेदी है ये। नहीं देहरादून में नहीं होगा तो दक्षिण में भूमध्य सागर के निकट ही होगा, श्रीहरिकोटा एक बार रीचेक कर लेना, श्रीहरिकोटा चेक कर लेना। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? बड़ा ही आसान है, सल्फर और फॉस्फोरस के कारण, सही है, नाइट्रोजन के कारण, जल्दी है मुझे। आगे, ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम भी एक डायग्राम बना के डिस्कस किया था कि ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है ना, और एक दिशीय होता है। जैसे कि एक प्रोड्यूसर होंगे वहां पे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर होगा, और जो ये दिशा होगी वो प्रोडक्शन से लास्ट मतलब जो मांसाहारी जीव होते हैं उन तक पहुंचती है। इसलिए ऊर्जा के प्रवाह को हमेशा एक दिशीय प्रवाह कहते हैं, और यहाँ का जो आधार होता है वो उत्पादक होता है, ये होता है प्राइमरी कंज्यूमर जो कि सामान्यतः वेजिटेरियन शाकाहारी होता है, ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों होता है, और ये पूर्णतः मांसाहारी होता है तृतीयक उपभोक्ता। तो ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है, एक दिशीय होता है, तो सही इसका होगा एक दिशात्मक। आगे, अपने कंप्यूटर को हैकर से बचाना है तो फायरवॉल लगा लेना, हैकर से बच जाएगा। आगे देख लेना सही लगा है कि नहीं। सरकार और नागरिकों के बीच में सूचना, सरकार मतलब गवर्नमेंट, नागरिक मतलब सिटीजन, G2C। आगे, इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ग्राहकों से बातचीत करने के लिए तैयार। आप लोग कभी इसका यूज करना, कभी अगर आपको आईआरसीटीसी की वेबसाइट चलाने में दिक्कत हो तो एक महिला आवाज देती है और महिला पूरा डायरेक्शन दिखाती जाती है कि आप टिकट तक कैसे बुक कर सकते हो, तो वो है आस्क दिशा। आस्क दिशा लड़की का ही नाम है, एक AI के फॉर्म में काम करती है जो सतर्क तरीके से IRCTC कैसे चलाना है ये बताती है। इनमें से कौन सी एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, असेंबलर नहीं है, बाकी लैंग्वेजेस हैं, बेसिक फोटोन और जावा। आगे पढ़ते हैं, असत्य कथन का चयन कीजिए, बेसिक ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंडक्शन कोड, कंप्यूटर डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, HTML,
इतना तो हो गया ना, कितने क्वेश्चन हो गए, 95। हाँ, असत्य कथन को HTML, HTTPP है ना, क्या है, पी फॉर प्रोटोकॉल, प्रोसेसर ने प्रोटोकॉल, तो गलत क्या होगा, प्रोटोकॉल। कितना टाइम हो गया, चलो आगे। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक आरक्षित वन, आरक्षित वन वाला क्षेत्र खंडवा है, और सबसे कम रिजर्व फॉरेस्ट उज्जैन में, सबसे कम आरक्षित वन उज्जैन में है और सबसे अधिक खंडवा में। हाँ, संरक्षित होगा वो, आरक्षित पूछा ना, रिजर्व कंजर्व है और ये रिजर्व पूछा गया था, आरक्षित पूछा गया था। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण कौन सा है, राला मंडल अभ्यारण है, कहाँ पर है, तो इंदौर में है। करेरा शिवपुरी में, नौरादेही सागर में, पचमढ़ी होशंगाबाद। आप लोग ने क्या पढ़ा था, संरक्षित पढ़ा था। हाल ही में पद्म पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर मुनिश्चर चंद्र डावर का संबंध जबलपुर से है, सस्ते दामों पर इलाज करते हैं, पद्मश्री पुरस्कार इनको मिल चुका है। आगे, हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय, जब भी ऐसा कुछ दिया रहे, हमारा इंदौर है जो कि हरित बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहरी निकाय बन गया है। लास्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन वालों जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, बढ़िया काम कर दिया तुम लोगों ने, है ना। मैं थोड़ा फास्ट हूँ उसके लिए मैं ऑनलाइन से भी सॉरी मांगती हूँ, है ना, समय बहुत ज्यादा हो गया आज। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का संबंध किस विभाग से है, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, गृह विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है नगरीय विकास एवं आवास विभाग से संबंधित है दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना। ठीक है, कितने क्वेश्चन सही थे देख लेना, ओमआर शीट चेक करवा के यहाँ पर लगा दी जाएगी। ये संडे को आप लोग देख लेना, संडे का टेस्ट जो होता है वो 9 बजे से होता है, आना हो तो चेक कर लेना। और बाकी सबके लिए ऑल द बेस्ट, सबका एग्जाम अच्छा जाए, मेंस की भी तैयारी करना, इंटरव्यू की तैयारी करना, अधिकारी बन जाना और नरोना प्रशासनिक अकादमी में मेरे साथ मिल जाना। ठीक है, हम लोग मिलेंगे बाद में, तब तक के लिए सबको